हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी के बीच मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। ठीक है, आज एक नए टॉपिक लेकर आए बाल विकास का। ठीक है, जो कि बाल विकास में नहीं बल्कि भाषाई प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गया हिंदी। आप लोग लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज लिए होंगे ना, लैंग्वेज वन में कोई लिया होगा हिंदी, या लैंग्वेज टू संस्कृत लिया हो, या इंग्लिश लिया हो, कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, उसमें भी ये क्वेश्चन, यानी चोम्स्की क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उनसे आधारित प्रश्न, यानी क्या, भाषा विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या नहीं, यानी कि लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, CDP, EVS सभी में पूछे जाते हैं और जा सकते भी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नॉम चोम्स्की। ये नाम वो नाम है जो नाम एक मनोवैज्ञानिक, यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी नाम है। ठीक है, और हमेशा एग्जाम में पूछे आते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत को कहते हैं भाषा विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनबॉर्न थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत यहाँ जो लिखा हुआ उससे संबंधित है, यानी भाषा का विकास। ठीक है, अब आते हैं। ये जो नॉम चोम्स्की थे, ये कहाँ के थे, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, यानी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, इनका मानना था, यानी नॉम चोम्स्की का क्या मानना था, कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इनके कहने का तात्पर्य यह था कि बच्चा जब पैदा होता है, या वो किसी भी क्षेत्र से हो, मान लीजिए कोई इंग्लिश फैमिली है यानी विदेशी है, मान लीजिए इंडिया में कोई गुजराती फैमिली है, कोई उत्तर बिहार का बच्चा पैदा हुआ, तो वहाँ क्या है, गुजराती है तो वो गुजराती ही बोलता है। क्या बचपन में उसको कोई व्याकरण सिखाया जाता है या ग्रामर सिखाया जाता है, नहीं, तो फिर भाषा कैसे सीखता है। तो इसका मतलब यही मानना था इनका, किसका मानना है कि भाषा जो बच्चा में होता है, भाषा वो सीखने की प्रवृत्ति कहाँ से आती है, जन्मजात होती है। कहाँ से होती है, जन्मजात। बच्चे में जो भाषा जो आती है सीखने की प्रवृत्ति कहाँ से आती है, जन्मजात होती है। ठीक है, इनका यही मानना था, नोट कीजिएगा। ठीक है, यही नॉम चोम्स्की, इन्हीं के बारे में भी पढ़ाएगा। ठीक है, इन्हीं का तीसरा टॉपिक, इन्हीं का मतलब तीसरा, इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। इन्होंने कहा कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे क्या होता है, जिससे बच्चा भाषा सीखता है। क्या सीखता है, भाषा, जिससे भाषा सीखता है। इनके कहने का मतलब था कि हो सकता है कि गॉड गिफ्टेड हो, गॉड गिफ्टेड का मतलब हो यानी कि अल्लाह कहे, गॉड कहे, भगवान कहे, उन्होंने कुछ मस्तिष्क में एक यंत्र भगवान ने शिफ्ट किया है। ठीक है, ऐसा यंत्र जिससे कि बच्चा भाषा सीख जाता है, यानी उस स्टेज में जब बच्चा पैदा होता है या कुछ भी, उसको तो हम लोग कुछ नहीं सिखाते हैं, या हम आप कुछ भी भाषा सीखते हैं तो कोई तो नहीं सिखाया, अपने आस पड़ोस से सीखे। ठीक है, तो उनका कहना था कि मस्तिष्क में क्या होता है, बच्चे के मस्तिष्क में एक यंत्र होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। तो उस यंत्र का नाम क्या है, तो उस यंत्र का नाम उन्होंने बोला, वो यंत्र का नाम है LAD। एग्जाम में हमेशा पूछता है LAD, नॉम चोम्स्की ने जिस यंत्र की बात की है उसका नाम क्या है, तो आप कहिएगा LAD। LAD का फुल फॉर्म हो गया लैंग्वेज, ए से एक्विशंस, डी से यंत्र, यानी डिवाइस। लैंग्वेज का मतलब भाषा, एक्विशंस का मतलब अधिग्रह, और डी डिवाइस का मतलब यंत्र। इन्होंने एक यंत्र दिया था। ठीक है, इसको आप पहले नोट कीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी पे मान लीजिए एक एग्जांपल दूंगा, उस पर आप समझिएगा भाषा का विकास कैसे होता है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, आपके स्क्रीन पे फोटो दिखता होगा। मान लीजिए कोई उत्तर बिहार, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र का कोई आदमी है, या फैमिली है, या हिंदी फैमिली है, मान लीजिए कोई पंजाबी फैमिली है, मान लीजिए कोई अंग्रेज है या इंग्लिश फैमिली है, तो देखिएगा अपने यहाँ का बच्चा में क्या होता है, अपने यहाँ का इंडिया का बच्चे में क्या होता है। मान लीजिए कोई उत्तर बिहार से, मतलब मान लीजिए उत्तर पूर्वी एरिया से है, मान लीजिए हम बिहार से हो गए, तो यहाँ का लैंग्वेज क्या, भोजपुरी है, मैथिली है, तो यहाँ का बच्चे में क्या भाषा का विकास होगा, खुद ब खुद हो जाएगा। बच्चा को ऐसा तो नहीं कि सिखाते हैं, कोई अंग्रेज है तो उसका बच्चा देखिएगा इंग्लिश ही बोलता है, कोई पंजाबी है तो पंजाबी ही बोलेगा, बच्चा पैदा होता है और पंजाबी बोलना चालू कर देता है। क्यों, क्योंकि भाषा जन्मजात प्रवृत्ति है बच्चे का सीखना है। वही बात नॉम चोम्स्की ने कहा कि भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने जो दिया था, इनबॉर्न थ्योरी, उसमें कहा गया था कि बच्चे का जो भाषा का विकास होता है, बच्चा भाषा जो सीखता है वह जन्मजात सीखता है। ठीक है, उसमें एक यंत्र है, हो सकता है भगवान ने कोई यंत्र शिफ्ट किया हो, तो उस यंत्र का नाम क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, LAD, ये डिवाइस उन्होंने बताया था,
ऊपर वाले का करिश्मा होगा जो सीखता होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। बच्चे का भाषा विकास कहाँ से होता है, जन्मजात होता है, ठीक है। चलिए अब इसी में एक अगला एक एक टॉपिक इसी में वो पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। नोम चमस्की अब आते हैं इसी में। नोम चमस्की ने एक एक बात कहा था इन्होंने, यानी नोम चमस्की ने क्या कहा था कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, वही भाषा विकास का सिद्धांत वही दिया, नहीं सार्वभौमिक व्याकरण इन्होंने, यानी ग्रामर का मतलब क्या जानते हैं, व्याकरण जो होता है जन्मजात होता है, यानी बच्चे में वही बात हुआ उसी को घुमा के बोला है। यानी आपको कहीं कहीं पर क्वेश्चन दे देगा कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया था, या तो भाषा विकास का सिद्धांत बोले तो चोमस्की, या बोले सार्वभौमिक व्याकरण इंग्लिश में बोले यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया, तो भी चोमस्की ही होगा, ठीक है। दोनों चीज़ में चोमस्की होगा। और इन्होंने ये भी कहा था कि बच्चे में जो व्याकरण का जो व्याकरण सीखता है खुद ब खुद वो जन्मजात होता है, यानी सिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब बात वही है, इसी को घुमा के बोला है, ठीक है, नोट कीजिएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, चोमस्की के भाषा के दो लेवल है, कितने लेवल है, दो भाषा के, इन्होंने दो लेवल बताया, दो भाषा के दो लेवल बताया है। पहला जिसको बोलते हैं सतही संरचना, और दूसरा गहरी संरचना। सतही संरचना को बोलते हैं सरफेस लेवल, और गहरी संरचना को बोलते हैं डीप लेवल। अब दोनों को हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है, आप नोट कीजिए। ठीक है, अब आते हैं जो बताए थे, पहला क्या है, सतही संरचना जिसको बोलते हैं सरफेस लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है इस लेवल में बच्चा क्या करता है, नॉम चमस्की के अनुसार बच्चा सिर्फ ध्वनियों या शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है, उनका अर्थ जो है नहीं जानता है। अब मान लीजिए बच्चा है, उसको बोल दिए मतलब खाना खा लो या पानी पी लो, अब बच्चा वो क्या जानेगा, पानी पीना मतलब पीना, खाना खा लो, खाना का मतलब खाना ही बूझता है, ये नहीं समझता है क्या खाना है। मम्मी पापा बोल दिए, मम्मी है तो मम्मी है, पापा है तो पापा है, यानी अर्थ नहीं समझ रहा बच्चा, बस ध्वनि को सुना या शब्दों को सुना, वो जो बोल दिए सो सुन लिया, लेकिन उसको समझता नहीं, उसका अर्थ नहीं जानता है, तो उसको बोलते हैं सतही संरचना, ठीक है। अब आते हैं गहरी संरचना पे, ठीक है, नोट कीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है जिसको बोलते हैं गहरी संरचना, जिसको बोलते हैं डीप लेवल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नॉम चोमस्की के अनुसार इसमें शब्दों, उसमें क्या था, पिछले वाले में क्या था, शब्द या अर्थ का ज्ञान नहीं था, अर्थ का पता नहीं था, लेकिन इसमें क्या होता है, शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है, शब्द या अर्थ का, जब बच्चा बढ़ने लगता है तो कोई चीज़ के बारे में पूछता है, या हम आपको पढ़ाते होंगे या कुछ भी चीज़, तो उसका अर्थ बताते हैं तब तो समझते हैं, तो इसमें क्या होता है, शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है, किसमें, गहरी संरचना में, नोट कीजिएगा, ठीक है। कुछ इस पे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा ही इस दो क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, अग्रणी मतलब आगे कौन है, जैसे ही भाषा का नाम है वे, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, नॉम चोमस्की, या सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया, नॉम चोमस्की। दो चीज, जैसे ही भाषा का नाम आवे, भाषा और विचार, तो किसने दिया, प्याजे तो दिया नहीं, प्याजे क्या दिया, संगनात्मक दिया था, आपको पता है ना, संगनात्मक दिया था। और वैगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था ना, बताया था ना, और स्किनर के बारे में बताएंगे आपको, जिन्हें चोमस्की, जैसी भाषा दिखे, भाषा और विचार के संबंध में बात करें तो चोमस्की को टिक मारना है, ठीक है, याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन है चोमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, सही बोला है। पहला पढ़िए, बच्चों में भाषा का बात हुआ चोमस्की, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने तो कहा ही था कि बच्चा में जो भाषा जो सीखते हैं वो जन्मजात प्रवृत्ति होता है, तो ये तो होगा ही। अब वैसे भी जैसी बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल सही, चूँकि उन्होंने कहा था बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, तो ऐसी गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएँ बहुत सीमित होती है, यानी ये तो और गलत है। बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है, यानी बच्चों को जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। आप इस टॉपिक को और इससे पहले जितने भी उस टॉपिक सभी को देखिएगा, ये सब क्या है, अपने आसपास के बच्चों पर अप्लाई कीजिएगा,
वीडियो देखिए, लिखिए, समझिए, बार बार देखिए, अपने आस पड़ोस के बच्चों पे अप्लाई कीजिए, सब समझ में आएगा। आपको लगता होगा बहुत दिक्कत, आप तनाव की स्थिति में अभी होंगे, और तनाव की स्थिति को क्या बोलते हैं, जब तनाव आता है बच्चे में तो क्या बोलते हैं, आपको पढ़ाए थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।